हेलो डियर लर्नर, गुड आफ्टरनून। हेलो डियर लर्नर, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू फिलोफोम। दिस इज सुखवंती गोस्वामी। मोस्ट वेलकम टू द फिलोफोम। As you all know, I am taking English grammar class at Philoform. Today our topic is pronoun. So, dear learner, write a definition in chat box. Dear learners, before start the class, make me confirm about audio video. Is everything fine? हम क्लास की स्टार्टिंग एक अच्छी सी थॉट के साथ करते हैं। To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. एक रचनात्मक जीवन जीने के लिए हमें गलत होने के डर को खत्म करना होगा। ओके? As you all know, this is our Philoform platform. जहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपकी वैकेंसीज से रिलेटेड हो, ऑल इन्फॉर्मेशन यू गेट एट फिलोफॉर्म। गुड आफ्टरनून विहाना आदविक। सभी लर्नर्स फिलोफॉर्म ऐप डाउनलोड कर लें। ये हमारा केवीएस एनवीएस के लिए फुल कोर्स 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइम टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट या यू कैन राइट इन योर नोटबुक एज योर विश। नेक्स्ट सीटेट बैच के लिए ये टाइम टेबल है। 9 AM SST, 10 AM मैथ्स, 1 PM जनरल इंग्लिश जो अभी चली हुई है आपकी, 1 PM संस्कृत, 3 PM CDP, 4 PM रीजनिंग, 6 PM एनवायरमेंट, 7 PM कंप्यूटर और 10 PM हिंदी। देखो, आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। ये है रीट बैच। जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम टेबल है, जो 9 AM SST, 10 AM मैथ्स, 12 PM GK राजस्थान, 1 PM जनरल इंग्लिश, 3 PM CDP, 7 PM कंप्यूटर, 10 PM हिंदी, लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, फिलोफॉर्म ऐप डाउनलोड करें और सभी क्लासेस का लाभ उठाएं। यस, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों हुई? हम किस लिए प्रोनाउन को याद करें? इन सब के लिए आप आज की क्लास देखें, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है।
हेलो विहाना आद्विक, डू यू नो अबाउट प्रोनाउन? गिव मी रिस्पॉन्स. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ बॉय. Ram is a boy. Ram is a good boy. Ram has good habits. हम बार बार राम का यूज न करें इसलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए. अगर हम बार बार नेम बोलेंगे तो उससे क्या है कि वो अच्छा नहीं लगता सेंटेंस. साउंड इज क्लियर विहाना आद्विक? मेक मी कन्फर्म. ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग ओके? इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू. फिर है kinds of pronoun. सभी एग्जामों में ये सभी kinds पूछे जाते हैं, ठीक है? इसलिए आपके लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. डेली यूज में भी जो आप वर्ड्स यूज करते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं, उसके लिए भी यूजफुल है, ठीक है? तो हम टाइप्स रीड करते हैं. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, दे कुक्ड फूड यस्टरडे. आपको ये सब डिटेल में करवाएंगे. एक बार सिर्फ टाइप देखें. पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन. पर्सनल क्या होता है? जो पार्टिकुलर पर्सन और थिंग से रिलेटेड हो. पजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एक बार इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखो, पर्सनल प्रोनाउन, दे कुक्ड फूड यस्टरडे. यहाँ पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया गया है. गुड आफ्टरनून प्रिया जी. किसने कल खाना बनाया? तो पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया है. किसने? उन्होंने. दे, एक ने नहीं बनाया, कई लोगों ने बनाया है. और ये बता दिया कि कौन से कई लोग हैं. ओके, फिर है आपका पजेसिव प्रोनाउन. द डॉग इज माइन. डॉग किसका है? ये बता रहा है कि ये मेरा है. ओके, ये हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो आपको निश्चित करे कि कौन क्या चीज है, कहाँ पर आप देख रहे हो. जैसे एग्जाम्पल है, दैट लुक लाइक फॉक्स. किसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो चीज है जो इशारा करके आप बोल सकते हो कि वो चीज है जो आपको कैसी लग रही है, फॉक्स के जैसी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रॉज अ पिक्चर. डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है? उनको डिस्क्राइब किया गया है. ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रॉज अ पिक्चर, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई वॉज इन हरी सो आई वॉश्ड द कार myself. ये बिल्कुल आपको मैं डिटेल में करवाऊंगी. आगे विद एग्जाम्पल है, विद पिक्चर है, ठीक है? क्लास में बने रहिएगा. ये थोड़ा टाइप्स करवा रही थी क्योंकि कई बार ओनली टाइप्स पूछ लेते हैं. रिफ्लेक्सिव, देखो आई वॉज इन हरी, ये आप हमेशा ध्यान रखना, आई सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन myself हो गया. अगर इधर ही होता तो आपका हिमसेल्फ हो जाता. इस टाइप के
क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी देखो डेमोस्ट्रेटिव, अभी बताया मैंने आपको कि इंडिकेट करते हैं, ठीक है। दिस है तो नजदीक के लिए यूज करते हैं हम, कि दिस फ्लावर इज ग्रीन, दैट दूर के लिए, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? दीज प्लूरल के लिए यूज होता है, नजदीक के लिए, दोज प्लूरल के लिए, दूर के लिए। देखो आपको ये चीजें भी क्लियर हो रही है, ठीक है। दोज एप्पल्स, दैट एप्पल, दीज एप्पल्स और दिस एप्पल, ठीक है, क्लियर। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हाँ, फिर है कुछ और टाइप्स हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है, एम्फेटिक भी बोल सकते हो और एम्फेसाइजिंग भी, ठीक है। एम्फेसाइज होना मींस होता है जोर देना, एम्फेसाइज मींस क्या होता है? जोर देना, किसी चीज पर बल देना, ठीक है। अब देखो, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, अभी सब्जेक्ट पे क्या दिया है? प्रेशर दिया है, आई माई सेल्फ, मैंने अपने आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये डिफरेंस होता है, आप देख लेना। ये एम्फेसाइजिंग है तो सब्जेक्ट के साथ ही आपका, और रिफ्लेक्सिव में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से रिलेशन था, ये डिफरेंस आप क्लियर कर लेना थोड़ा, और आगे डिटेल में करवाएंगे हम, एक एक करवाएंगे बिल्कुल। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट जो डेफिनिट नहीं है, क्लियर नहीं है। एक बार सभी बोले क्लास अच्छी लग रही है, थम करें सभी, और एक बार क्लास को लाइक कर लें। यस प्रिया जी, गुड आफ्टरनून के बाद कोई रिस्पांस नहीं आया, और आपके लिए डेली 5 स्पेलिंग लर्निंग वर्ड भी हैं विद शॉर्ट ट्रिक, वे भी करिएगा। ओके, इनडेफिनिट प्रोनाउन जो क्लियर नहीं है, डेफिनिट नहीं है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो डेफिनिट नहीं है। आई स्वेयर आई वॉन्ट टेल एनी वन दिस सीक्रेट, एनी वन, सम वन, लाइक दिस वर्ड्स आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, ये सभी आगे लिखे हुए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, आई मेट वीना, अभी देखो रिलेटिव रिलेशन बताया गया है किसमें, सब्जेक्ट में और प्रोनाउन में। आई मेट वीना, हाँ मैं वीना से मिला या मिली। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से वापिस आ रही थी, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव को तो सभी जानते होंगे, इंटेरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये सभी आपके विद एग्जाम्पल विद पिक्चर क्लियर हैं आगे, ठीक है। एक बार आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने सभी टाइप्स विद एग्जाम्पल राइट की हैं। हु इज दैट, या क्वेश्चन मार्क आएगा, Who is that? Exclamatory pronoun. Exclamatory क्या होता है? Good afternoon सोनाली जी, कल आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की थी क्या? एक्चुअली पता नहीं कल क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई,
एक्सक्लामेटरी जिसमें हम हैरान हो जाते हैं, क्या होती है जिसमें स्ट्रोंग फीलिंग प्रेजेंट होती है, होती है ना। कोई आप अच्छी सी चीज देख लेते हैं तो विद एक्सप्रेशन क्या निकलता है आपके माउथ से, वाओ। अगर कोई दुख की बात है तो क्या निकलता है, ओ लाइक दिस वर्ड्स। हाँ भैया नादवी, कल मैं क्लास ले रही थी लेकिन पता नहीं मैं पढ़ाती गई, मुझे पता ही नहीं चला कि क्लास चल ही नहीं रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी शायद। ये सभी क्लियर है, एक बार थम कर दे, आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लें। अभी देखो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो कि ओनली वन पार्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में आपको बताए, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी नोटबुक में राइट कर ले, पर्सनल प्रोनाउन बिलोंगिंग टू वन पार्टिकुलर पर्सन। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आई वी इट दे यू एंड शी, ओके। अभी देखो पर्सनल प्रोनाउन में थ्री पर्सन होते हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये आपको समझ लेने चाहिए। जिसने समझ रखे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो ये जरूर समझ लें, ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आते हैं। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, ओके। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो आप नरेशन नहीं कर पाओगे। हाँ वेरी गुड, देखो फर्स्ट पर्सन ये भी देखना है हमने, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको ओनली प्रोनाउन में सिखाई जाती हैं, तो इसलिए आज की क्लास इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लर्नर्स। चाहे कोई वो इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा है, चाहे कोई वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके। ये क्लास सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन आपका सिंगुलर नंबर में है आई और प्लूरल है वी। सेकंड पर्सन आपका यू, सिंगुलर में भी यू है और प्लूरल में भी यू है। ये हमने एक ट्रिक से याद किया था ना, ये डिफरेंट पर्सन है, ये यू यू ही रहते हैं, ईगो में रहते हैं ना, ये कहते हैं कि हम सेम रहेंगे। थर्ड पर्सन आपका ही शी इट और इनका प्लूरल है दे, क्लियर। अभी देखो यही हमारे पर्सन कोई सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, कोई ऑब्जेक्ट के रूप में, कोई एडजेक्टिव के रूप में और कोई पोजेसिव प्रोनाउन के रूप में। तो ये कब कैसे यूज होते हैं हमें पता होना चाहिए। प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन की जगह पे आना, नाउन का स्थान लेना। बिल्कुल आसान भाषा में बता रही हूँ मैं, प्रोनाउन का क्या काम है, नाउन की जगह पे आना। तो जहाँ पर नाउन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पे आपके कौन से प्रोनाउन आएंगे, आई यू ही शी इट वी दे, ओके। ये सारे आपके सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे, जहां पे नाउन सब्जेक्ट है वहां पर ये प्रोनाउन सब्जेक्ट आएंगे, ओके। फिर आपके जो नाउन ऑब्जेक्ट हैं उसके स्थान पर क्या क्या आ सकते हैं, देखो मी आई का क्या है, मी, यू यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट इट, वी का ऑब्जेक्ट अस। ये याद होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं याद हुए तो आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस भी क्लियर नहीं होंगे, इसलिए एक्टिव वॉइस और नरेशन को समझने के लिए आपको प्रोनाउन की क्लास करनी पड़ेगी, ओके। जब तक आपको प्रोनाउन का पता नहीं होगा तो आप उनमें कंफ्यूज रहोगे, आप उनको नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। वी अस दे देम, ये हैं हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
फिर है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव में क्या है, आई का क्या होता है, माई, और पजेसिव में माइन, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप, आई मी माई माइन याद रख सकते हो, आई मी माई माइन, यू यू योर योर्स, ही हिम हिज हिज, शी हर हर हर्स, इट इट इट्स इट्स, वी आस आर आर्स, दे देम देयर देयर्स, क्लियर। ये आपको पक्का पता होने चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस से लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव पजेसिव, फिर आपको अलग अलग से करवाऊंगी सभी एडजेक्टिव और पजेसिव में डिफरेंस, जिस जिस में कंफ्यूजन बनी रहती है, रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव में डिफरेंस, बिल्कुल एक एक आपका प्रोनाउन लेके चलेंगे। अभी देखो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आया आपका, छांट के बताओ मुझे, इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, छांट सकते हो, राइट करें एक बार। अभी बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट दो ओनली। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में आपको क्या क्या मिलेंगे, आई माई मी, माइन, वी, आवर, आस, इसमें आप सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांट के राइट करें। सब्जेक्टिव में आपके क्या क्या आ सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, आप ओनली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सिर्फ दो दो चीज लेके चलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, जो ये बताए कि ये चीज मेरी है, उसकी है, हमारी है, ठीक है। I, my, me, yes, very good, very good, possessive pronoun, very good, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो, ऐसे ही आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन हर्स आर्स माइन देयर्स हिज हर्स योर्स, फिर है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन जिसमें क्या होती है आपकी स्ट्रोंग इमोशन, क्या होती है स्ट्रोंग इमोशन, ओके सोनाली जी, हमारे यहाँ भी बारिश का ही मौसम है, कहाँ से हो सोनाली जी आप, हरियाणा में भी बारिश हो रही है, हाँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हमें हैरानी होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड्स। ठीक है, जैसे अब देखो इनका माउथ देखो, माउथ से पता चल रहा है ना ये फ्री हो गए तो कितने एंजॉय कर रहे हैं, ये इसके अंदर की फीलिंग इसकी बाहर निकल रही है। अच्छा गर्मी तो है बट बारिश हो रही है। अच्छा आप रोहतक से हो, वैसे मैं भी रोहतक से भी हूँ। अब लड़कियां तो दो दो जगह से ही होती है ना। कभी मिलेंगे विहाना जी। रोहतक में तो हम आते रहते हैं। ओके देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाँ देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारी अंदर की फीलिंग होती है स्ट्रॉन्ग वाली वो बाहर निकल जाती है। अब देखो सबके फेस देखो, आप पिक्चर दिखाई दे रही है सबको, देखो फ्री होके कितने इनकी मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आई एम फ्री, देखो इनका जो जॉय है वो कैसे दिखाई दे रहा है। ये होती है हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ठीक है, हैरानी सरप्राइज फील होता है तब, और लव का एक्सप्रेशन होता है तो कैसा फेस होता है देखो, आपके खुशी में कभी कभी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। ओके बिल्कुल जरूर बताएंगे भैया आदमी। अच्छा वॉइस स्प्रेड हो रही है, क्लियर नहीं है। गुड आफ्टरनून समीर जी। ठीक है हाँ, फिर है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी नहीं हो रही होगी सोनवीर जी, मैं भी थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, आवाज ज्यादा निकाल रही थी ना, तेज आवाज आ गई होगी। देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी मैंने आपको पिक्चर से क्लियर किया है बिल्कुल, और यहाँ पर आपका वैसे भी क्लियर कर देते हैं दीज दोस। अभी आपको पिक्चर शो की थी तो किसके लिए यूज होते हैं आप राइट करेंगे कमेंट बॉक्स में। फिर तो कुछ नेटवर्क इशू होगा। दीज दोस राइट करें किसके लिए यूज करते हैं हम। मैंने आपको अभी टू टू पिक्चर शो की थी, दिस दैट द सेम और सच थिंग। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसमें हम किसी एक चीज के प्रति इंडिकेट करते हैं बिल्कुल इशारे से, ये चीज बता देते हैं कि वो चीज ये चीज यह है वह है। ठीक है, देखो हमने अभी शो की थी। ये आपके ये हो चुके हैं। देखो ये अभी दिस नियर के लिए, दैट फार के लिए दूर के लिए, दिस नियर के लिए लेकिन प्लूरल के लिए। ओके हेमलता जी गुड आफ्टरनून। दोस प्लूरल है लेकिन दूर के लिए, फार अवे के लिए। ठीक है, दोस ज्यादा है दूर है, दैट वन है दूर है सिंगुलर के लिए,
ठीक है, दिस नजदीक है, वन थिंग है, दीज ज्यादा है लेकिन नजदीक है. ओके, इज इट क्लियर? ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, राइट कर लें. ओके, फिर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जांपल आपके कुछ इधर हैं, कुछ मैंने अभी समझाए थे आप लोगों को. ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रॉज अ पिक्चर, ईदर ऑफ दीज हैज दैट इंफॉर्मेशन, नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर्स इज इन इंग्लिश. ठीक है, जिसमें आपके लाइक दिस, ईच, ईदर, नीदर ये वर्ड आते हैं, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है. ओके, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको ये सभी वर्ड्स मिलेंगे. ये आपके लिए मैं दोबारा दोबारा करवा रही हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑप्शंस में छाटने वाले क्वेश्चन आते हैं. अगर आपको सॉरी थोड़े से भी ये वर्ड्स याद होंगे तो आप राइट कर सकते हो कि ये कौन सा प्रोनाउन है. सभी टाइप्स हमने बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ और पिक्चर के साथ क्लियर की है. यस सोनवीर जी, पीडीएफ में मिलेगा आपको बिल्कुल. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, इन सभी में क्या डिफरेंस है? हर सेल्फ कहाँ पे यूज होता है, इट सेल्फ कहाँ पे यूज होता है, ये आपके आगे की जो क्लासेज आएंगी उनमें क्लियर करेंगे बिल्कुल. दो दो तीन तीन टॉप आपके ये वर्ड्स उठाएंगे और आपका क्लियर करेंगे. ओके, अब देखो ये माई सेल्फ कहाँ यूज होता है एक बार देख लें. आई वॉज इन हरी सो आई वॉश्ड द कार. आई सब्जेक्ट है. आपका रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है. किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ये समझ लो कि सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है. क्या हो रहा है? सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन यहां पर आ रही है. ठीक है, आपके माई सेल्फ, आई से क्या बना? माई सेल्फ. आई से क्या बना? माई सेल्फ. ओके, अगर यहां पर मैं ही राइट कर देती हूं तो बताओ क्या बनेगा? ही वॉज इन हरी सो आई सो ही वॉश्ड द कार. अगर मैं इधर लिख देती हूं ही, यहां पे भी ही, फिर आप एक सेंटेंस राइट करके दिखाएं मुझे. पीडीएफ मिलेगा सोनवीर जी, जरूर मिलेगा. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. आई से माई सेल्फ बना है, ठीक है, ही से हिमसेल्फ बनेगा. हाँ बिल्कुल, हिमसेल्फ इकट्ठा राइट करेंगे. यू से योरसेल्फ और योरसेल्फ, इट से इटसेल्फ, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है, क्या है ये आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आपको अलग अलग से करवाएंगे फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है, इससे फिर आपका क्लियर हो जाएगा. इज इट क्लियर? एक बार सभी क्लास बताएं कैसी लग रही है. क्लास को लाइक करें, शेयर करें. देखो आपको बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, जितना चाहे उतना पढ़ो भाई.
हमारे टाइम में तो ये सब फैसिलिटी नहीं थी, हमें तो सिर्फ बुक से ही पढ़ना पड़ता था। देखो साइंस ने आपके लिए सब कुछ पॉसिबल कर दिया है, बाहर जाओ या ना जाओ पर सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खड़ी है, बस आपको उसका फायदा उठाना है। ओके, और जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसका वहीं से लाभ उठाओ। जहां से भी कुछ भी सीखने को मिले आपको, जहां अच्छा सीखने को मिले, जिससे भी आपको समझ में आए वहीं से सीख लो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। फिर देखो आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव आपका रिलेशन बनाता है। रिलेटिव ये सम रिलेटिव हम कहते हैं ना कि रिश्तेदार आ गए, रिलेटिव आ गए। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव क्या बनाता है? रिश्ता बनाता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनाता है? रिश्ता बनाता है। और इसके लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं ये देखो, हु, व्हेन, व्हाई, विच, हाउ। ठीक है, विच का यूज किसके लिए करते हैं, हुम का यूज किसके लिए करते हैं, दैट का यूज किसके लिए करते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, माई न्यू डॉग, माई न्यू डॉग, यहाँ पर बात क्या चल रही है? डॉग की। आई बोट लास्ट ईयर, ईयर लास्ट ईयर। ठीक है, तो माई न्यू डॉग विच आई बोट लास्ट ईयर, तो डॉग के लिए क्या यूज किया आपने, क्या रिलेशन बनाया? विच से, किससे? विच से। ठीक है, अवर लॉयर हुम वी एम्प्लॉयड फॉर ओवर अ ईयर। अब देखो लॉयर से किससे कनेक्ट किया? हुम से। किससे रिश्ता बनाया? हुम से। ठीक है, ये वर्ड्स आप याद रखिएगा। थिंग्स के लिए किसका यूज होता है? एनिमल्स और पर्संस के लिए किसका यूज होता है? ठीक है, ये वर्ड जरूर याद रखेंगे। विच, हू, दैट, द कार, द कार क्या है? एक थिंग है, चीज है, तो उसके लिए दैट का यूज हुआ है। दैट ने कार से रिश्ता बनाया है। रिलेटिव प्रोनाउन का आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, किसने किससे रिश्ता बनाया है? दैट ने कार से, चीज से रिश्ता बना लिया। ठीक है, किसी थिंग से रिश्ता बनाया है। द कार दैट वॉज स्टोलन यस्टरडे। ओके, अभी देखो हु यूज्ड फॉर पीपल रिप्लेसेस सब्जेक्ट प्रोनाउन लाइक आई, शी, ही, वी, दे। हु किसके लिए यूज होता है? पीपल के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी है आपका, इट वॉज माई हस्बैंड हु ब्रोक द कार डोर। ठीक है, हु किसके लिए यूज हुआ? पीपल के लिए। विच यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट एंड एनिमल्स, विच का यूज हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी और एनिमल के लिए भी कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लें और राइट कर लें। दैट का यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं। जैसे अभी आपको तीनों एग्जाम्पल दिखाए, बिल्कुल क्लियर है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, जब तक आपको प्रोनाउन नहीं आएंगे, इवन यू कैन नॉट स्पीक इन योर डेली लाइफ इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव, हु, विच, हूज, व्हाट, जिसमें क्वेश्चनों की बौछार होती है ना, जिसमें क्या होती है? क्वेश्चनों की बौछार। अच्छा हाँ, वन वर्ड था ना आपका, एक मीनिंग दिया था मैंने, जिसमें क्वेश्चनों की बौछार का क्या वर्ड था, याद है? राइट करना एक बार, क्वेश्चनों की बौछार होना।
मैंने कोई हिंट भी दी थी याद हो तो, बोर हो जाते हो, ओल्ड एज वाले लोग क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, याद है क्या? इंटरोगेटिव में क्या होता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। अच्छा, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तीन तीन या दो दो, जहां पे हमें ये लगेगा कि आपको कहां पर क्या क्या चीजें समझानी हैं उतना ही लेके चलेंगे। कल ये तीन चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में करवाएंगे, तो क्लास को जरूर ज्वाइन करें। हाँ बिल्कुल हेमलता जी, बिल्कुल वी आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, एक वन वर्ड लर्न करवाया था मैंने, मीनिंग लर्न करवाए थे भी, है ना आदविक? क्वेश्चनों की जो बौछार होती है, क्या मीनिंग है? बिल्कुल ट्रिक के साथ याद करवाया था। ये हमारी क्लास का टॉपिक है। आज हम करेंगे अभी डेली जो हमारा रूटीन है, 5 वर्ड, जिससे हमें क्या होगा, स्पेलिंग लर्निंग भी होगी और मीनिंग भी लर्न होगा। क्या होगा? स्पेलिंग भी लर्न होगी और मीनिंग भी लर्न होगा, ठीक है? हाँ अच्छा, अपने अपने निमोनिक बनाए अगर बना सकते हो, फिर हम तो निमोनिक से लर्न करवाते ही हैं, ठीक है? एरोड्रोम, अ स्मॉल एयरपोर्ट यूज्ड बाय प्राइवेट प्लेन्स। क्या होता है ये एरोड्रोम? एक छोटा एयरपोर्ट जो प्राइवेट प्लेन्स के लिए यूज किया जाता है, नेशनल या इंटरनेशनल नहीं, एक छोटा एयरपोर्ट जो प्राइवेट प्लेन्स के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोड्रोम। अब देखो, एरो, एरो से क्या बन गया? एरोप्लेन, एरो से बन गया एरोप्लेन, और एरोप्लेन से डरो नहीं डरो मी, ठीक है? ये क्या कहता है? एरोप्लेन ड्रोमी, एरोप्लेन मुझे डरा देता है, ठीक है? एरोड्रोमी। अगर आपकी कोई ट्रिक है तो वो राइट कर ले, एरोड्रोम, एरोड्रोम, अ स्मॉल एयरपोर्ट, ठीक है? AERO, एरो, DRO, ड्रो, मी से आपको स्पेलिंग लर्न रहेगी। एडमिटेंस, एडमिटेंस, बीइंग अलॉट टू एंटर अ प्लेस, किसी प्लेस में आपको जाने के लिए अनुमति देना, ठीक है? अच्छा एक बार ये बताए, वर्ड मीनिंग कैसे हैं, क्वेश्चन सीरीज कैसी है? अब इसकी ट्रिक एडमिट से लगा लो, आप एडमिट हो गए, ठीक है? आपको एडमिशन मिल गया, क्या कर दिया? आपको एलो कर दिया एडमिशन देने के लिए, ठीक है? एडमिटेंस, टेंस, आप बहुत टेंस थे, टेंस थे, चिंता में थे कि पता नहीं वो एलो करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका क्या हो गया? एडमिटेंस, टेंस, आपकी टेंशन खत्म हो गई, एडमिटेंस, बीइंग अलाउड, आपको एलो कर दिया किस लिए? वहां पर जाने के लिए, ठीक है?
क्यों उनको लगा कि आप वहां पर जाने के लिए सही हो, द राइट टू एंटर। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर है आपका एस्थेटिक। क्या है एस्थेटिक? एस्थेटिक्स, एस्थेटिक की क्या शॉर्ट ट्रिक बनाओगे? हाँ, अभी देखो एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, आपके जो सौंदर्य प्रक चीजें होती हैं सुंदरता के लिए, ठीक है, इसे आप क्या याद रखोगे? ऐसी दी टिप्स, टिप्स से आप याद रखोगे टिक्स, ऐसी टिप्स दी कि वो सुंदर हो गई, ठीक है, कनेक्टेड विद ब्यूटी, ये हमारी सुंदरता से रिलेटेड होती है, ठीक है, सुंदरता सौंदर्य परक बोलते हैं जो, ठीक है, तो ऐसी दी टिप्स कि वो सुंदर हो गई, ओके, ऐसी ए ई एस एस दी टिक्स से आप बना लो टिप्स, एस दी टिक्स, एस दी टिक्स, एस दी टिक्स कनेक्टेड विद ब्यूटी, वो सुंदरता से जुड़ गई, ओके। फिर है आपका साथ में आप भी अपना अपना निमोनिक बनाएं ताकि आपको रट्टा लगा के याद करने की जरूरत ना पड़े, आपकी स्पेलिंग एरर, एंटोनियम सिनोनियम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ना आए, ठीक है। अगर हम डेली 5-5 वर्ड भी करेंगे तो देखो आपके बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, ओके। डेली राइट करें, लर्न करें, और अपने, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी ही शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, जो आपसे बने आप अपने भी राइट करें। अगर मेरी ठीक ना लगे तो मुझे ये बताएं कि मैम यहाँ पर ये अच्छी लग रही है, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, तो मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल होंगी। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट समथिंग दैट यू लव और लाइक समबडी वेरी मच, किसी को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो या किसी से आप बहुत लव करते हो, ठीक है, तो अफेक्शनेट के आप बना सकते हो। अट्रैक्शन, अफेक्शन ये भी हो सकता है, अफेक्शनेट, ठीक है, स्पेलिंग लर्न करने के लिए आप बनाएंगे अफिक्सनेट, अफिक्सनेट, ठीक है, अफिक्सनेट, अफिक्सनेट, अ का अलग पार्ट कर लो आप, ए का अफिक्सनेट, अफिक्सनेट, स्पेलिंग लर्न करने के लिए अफिक्सनेट। फिर है आपका असैसिनेशन, असैसिनेशन आपको कई बार डबल एस की जगह पे सी दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एस याद रखो, एस एस जिससे गधा बनता है, एस एस डबल गधे हैं इसमें, देखो इज इट ओके। फिर हमने क्या बोला, डबल गधे हैं तो ई, क्या बोला ई, फिर नेशन, ओके, असैसिनेशन, असैसिनेशन। अगर आपको इधर या ए डबल एस, ए डबल एस,
ये दोनों इकट्ठे हैं, अगर आपको या तो आगे या इसके पीछे एक जगह आपको सी जरूर मिलेगी, तो आप ऐसे याद रखें कि डबल एस है असैसिनेशन में, डबल गधे हैं। ओके, इज इट ओके? ट्रिक इज ओके? असैसिनेशन, ऐसा नेशन जिसमें दो गधे हैं, ठीक है। एक स्टोरी है ना वो राजा वाली, हाँ बिल्कुल, स्पेलिंग लर्न करने के लिए बोल रही हूं मैं। असैसिनेशन टू मर्डर, अब देखो जहां पर कोई समझदार नहीं होगा, दो दो गधे होंगे तो क्या करेंगे, वे मर्डर करेंगे, ठीक है। और किसका? एक ऐसे व्यक्ति का जिसको सारी दुनिया जानती है, तो ऐसा काम कौन कर सकता है, गधे ही करेंगे, समझदार लोग तो करेंगे नहीं। ओके, असैसिनेशन टू मर्डर अ यूजुअली प्रोमिनेंट पर्सन बाय डन सीक्रेट अटैक, ऑफन फॉर पॉलिटिकल रीजन, और किसी राजनीतिक रीजन से अचानक से छुप के अटैक कर दिया, किसने? दो दो गधों ने, ठीक है। बिल्कुल, मेरे को लगता है इससे आपका मीनिंग भी याद रहेगा और स्पेलिंग भी लर्न रहेगी, ठीक है। अच्छी थी बिहान आदमी, बस ऐसे ही एंजॉय से, खुशी से पांच पांच वर्ड लर्न करें डेली, इससे आपको सेम मीनिंग पता चलेगा, फिर और मीनिंग से छांटना आपके लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल, नेशन में दो गधे हैं जो क्या करते हैं, मर्डर करते रहते हैं, किसका? बहुत बड़े व्यक्ति का जिसको सारी दुनिया जानती है, ठीक है, और वो भी किस कारण से? सिर्फ पॉलिटिकल रीजन के कारण। ओके, कोई और मुद्दा नहीं, ओनली पॉलिटिकल रीजन। सभी क्लियर है? एक बार ये बता दें, सभी क्लियर? क्लास कैसी लगी, और आज के जो निमोनिक्स है, ट्रिक है, वो कैसी लगी? अच्छा, आपके लिए मैं कुछ शॉर्ट वीडियो बना दूं इनके साथ स्पेलिंग लर्न करने के लिए, सजेशन दे आप लोग। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, उस पर आपको शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी जुड़े सभी टेलीग्राम से, या आप ये व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं, ठीक है। सभी ने, पूरे स्टाफ ने आपके लिए बहुत मेहनत की है और शॉर्ट वीडियो तैयार की है, ताकि आपके हर रोज चार पांच क्वेश्चन तैयार हो जाएं। तो उसके लिए आप क्लास ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। और रट्टा, यहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वेबसाइट पर जाएं www.ugc-net.com, ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जुड़ जाएं, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लें, सभी इंफॉर्मेशन और सभी क्लासेज आपको मिल रही हैं। फीडबैक दें भाई, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो थम कर दें, अगर अच्छी नहीं लगी तो वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में, सजेशन जरूर दें कि आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ, सभी आपके वर्ड मीनिंग, एंटोनियम शॉर्ट ट्रिक के साथ लर्न करवाएंगे बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट्स करने पड़ेंगे। थैंक यू हेमलता जी, आप तो न्यू स्टूडेंट हो, आज ही जुड़े हो। हाँ, एक बार थॉट अगेन देख लें दोबारा से, क्योंकि आप लोग बाद में जुड़े हो। टू लिव अ क्रिएटिव लाइफ
वी मस्ट लूज अवर फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने जीवन में क्रिएटिव बनने के लिए जो हमारे अंदर फियर है, जो हमारे अंदर डर है, उसको खत्म करना होगा। हम सबके अंदर क्या डर है, अरे यार कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं, उस चक्कर में हम कुछ काम शुरुआत ही नहीं करते, नहीं करते ना। हाँ, तो हमें उस डर को निकालना है। हाँ बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, नहीं तो डर के मारे क्वेश्चन भी ना पूछें। ठीक है, पीडीएफ भी सोनवीर जी आपको बिल्कुल मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और जो नंबर आपको दिया था अभी, उस व्हाट्सएप से जुड़ जाए, सभी का पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगी, सब मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा, आज नए नए स्टूडेंट हैं। थैंक यू प्रिया जी, सोनवीर जी, विहाना जी, आद्विक जी, हेमलता जी, ओके, थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।